नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिन कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः समय साराय स्वानुभूत्यचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे अज्ञानतिमीरान्धानां ज्ञानजन्यशलाक चक्षुरुन्मीलितं मेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणं मङ्गलमयमङ्गलकरं वीतरागविघ्ना नमोताहि जाते वै हरिहन्ताति महान् ॐ नमः सिद्धेव्य नमः सिद्धेव्य नमः सिद्धेव्य ग्रंथाधिराज समय सार जी परमागम की कुनकुनाचार्य भगवान कृत ये मंगलमय 320वीं गाथा जिनके ऊपर जैसे आचार्य भगवान की तात्पर्य वृत्ति टीका और उस कुनकुनाचार्य भगवान और जैसे आचार्य भगवान के हृदय में बैठकर अपने आत्मा के अनुभव की मस्ती में मस्त होकर भगवान आत्मा को परम प्राणामिक भाव को हथेली में दिखाने वाला पूज्य गुरुदेव श्री का मंगलमय प्रवचन चौथा प्रवचन है। इस गाथा का हार दिया है कि पांच भाव जो है वो पांच भाव में से एक भाव जो है वो परम प्राणामिक भाव है, त्रिकाल भाव है, नित्य भाव है, अपना भाव है, मैं हूं। और चार भाव जो है परिणमते भाव, बदलते भाव, पलटते भाव, टलते भाव जो है ये कर्मकृत है, मेरे से अत्यंत भिन्न है। मेरा स्वभाव त्रिकाल भाव जो है वो ही मेरी हयाती है, उसके बाहर मेरी हयाती नहीं है। चार भाव जो है उसमें मेरी हयाती नहीं है। तो क्या कहते हैं गुरुदेव श्री, यह कहते हैं देखो औपसमयक आदि पांच भावों में भाव नाम हयाती वाला पदार्थ, हयाती में दो प्रकार हयाती, खरे खर त्रिकाली भाव वो खरी हयाती है, खरे खर त्रिकाली भाव है वो
वास्तविक हयाती है, खरी हयाती है। मेरा अपना अस्तित्व त्रैकालिक भगवान आत्मा जो है वो मेरी हयाती है, बस उतनी मैं वस्तु हूं, और उसके बाहर जो कुछ भी है वो अवस्तु है। यहां पर इस गाथा में दृष्टि का विषय श्रद्धेय सुधात्मा है, वो कैसा है और वो मैं हूं, इस बात का श्रद्धान इस गाथा के माध्यम से आचार्य भगवान ने करवाया है। आज तक जीव ने जैन शासन को पाकर, तीर्थंकर परमात्माओं को पाकर, वितरागी देव शास्त्र गुरु को पाकर एक भावना भाई है कि मिथ्यात्व का नाश करेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। यदि जैन दर्शन में प्रवेश के समय, नर्सरी के समय, केजी के क्लास में ये बात यदि सोचा जाए तो सत्य है, ये भावना होनी ही चाहिए, और यदि नहीं हो तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। लेकिन पाठ्यक्रम में आगे बढ़ते बढ़ते जब द्रव्यानुयोग में समय सार, नियम सार, प्रवचन सार आदि परमागमों का स्वाध्याय करें और दो द्रव्यों की भिन्नता जानकर प्रमाण की मर्यादा में आकर सुधात्मा जो है, भगवान आत्मा जो है, परम पारिणामिक भाव जो है वो मैं हूं और उसके अलावा जो कुछ भी है वो पर है, ऐसा विश्वास, ऐसा श्रद्धा यदि नहीं करे तो जैन मत से वो बाहर है, यानी कि जैन शासन में उनने प्रवेश नहीं किया। देखिए चौथे काल के अंदर में जब तीर्थंकर परमात्मा रहते हैं उस समय मुनियों के टोले विचरते हैं, और इसके युग में, आज के युग में पूज्य गुरुदेव श्री के होने के पश्चात, सुधात्मा की बात हथेली में आने के पश्चात, भगवती माताओं का सानिध्य मिलने के पश्चात, यदि आज सम्यक दृष्टियों के टोले न हो तो बहुत शर्म की बात है, और यदि नहीं है उसका यदि कारण देखा जाए तो दो द्रव्यों की भिन्नता, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती है बात तो समझ में आती है, लेकिन जो परिणाम द्रव्य का आश्रय लेती है, जो परिणाम द्रव्य का अवलंबन लेती है और ये घोषणा करती है कि मैं परमात्मा हूं, वो परिणाम परमात्मा से भिन्न है, वो परिणाम परमात्मा से भिन्न पर द्रव्य है, इस बात का इकरार आत्मार्थी जब तक नहीं करता तब तक, मैंने विधि निषेध में नहीं आता तब तक विधि में नहीं आ सकता। आज राग से भिन्न हूं, कर्म से भिन्न हूं, शरीर से भिन्न हूं, बात तो बहुत दूर की है, स्थूल भेद ज्ञान की बात है, लेकिन सूक्ष्म भेद ज्ञान जो है द्रव्य पर्याय के बीच में, नित्य अनित्य स्वभाव के बीच में, एक मैं हूं और एक मैं नहीं हूं, यह विधि निषेध है, और इस विधि निषेध के पश्चात मैं हूं, मैं एक हूं, मैं परम पारिणामिक भाव हूं, बस इतनी विधि है, और इतना जो विकल्प जो है, मैं परमात्मा हूं, परम पारिणामिक भाव मात्र वस्तु, इतना जो विकल्प जो है वो वस्तु से बाहर है, उस विकल्प में परम पारिणामिक भाव नहीं बसता। जब परिणाम में परम पारिणामिक भाव नहीं आता उसी तरह से विकल्प में भी नहीं आता, लेकिन यदि अभिप्राय ऐसा हो, मान्यता ऐसी हो, विश्वास ऐसा हो और भगवान आत्मा अनुभूति में ना आवे, ऐसा हो नहीं सकता। अभिप्राय में अनुभूति के कारण मैं परमात्मा हूं ऐसा नहीं होता, और जिनके अभिप्राय के अंदर में ऐसा अभिप्राय होने से अनुभूति होती है ऐसा अभिप्राय है तो ये पर्याय बुद्धि पर्याय दृष्टि है। जिसे आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर्य है,
ऐसे भेद की दृष्टि पर्यायी दृष्टि है, उसी तरह से आत्मा की अनुभूति का अभिप्राय हो। देखिए, ये सहज में उत्पन्न होने वाली व्यवस्था है। परिणाम के अंदर में सम्यक दर्शन सहज में अपने आप स्वयं में उत्पन्न होने वाली व्यवस्था होते हुए भी हमें सम्यक दर्शन हो जाए तो ठीक, ऐसा अभिप्राय परिणाम की कर्ता बुद्धि सूचक है। और जहां तक ऐसी कर्ता बुद्धि रहती है तब तक मैं अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, अवेदक हूं, अकारण परमात्मा हूं, ऐसा अहम, ऐसा एकत्व नहीं होता। आज अपने पास में पूज्य गुरुदेव श्री के परम प्रताप से ये विषय अत्यंत स्पष्ट है। अपने को देखना है कि गुरुदेव श्री जो कहते हैं वो किस विधि से कहते हैं, किस तरह से कहते हैं, और अपन उस वस्तु को उस दृष्टि से देखते कि नहीं देखते, क्या कहते हैं। देखें, खरेखर त्रिकाणी भाव वो खरी ही आती है, वो आया था कल, आत्मद्रव्य लाभ हेतु, आत्मद्रव्य लाभ हेतु। काले न आता तुम्हें समझ में आया, ए 56 गाथा 50 दिखाई, आत्मद्रव्य लाभ, आत्म स्वरूप का लाभ ही आती। एक एक चैतन्य अपना त्रिकाली स्वरूप की ही आती, एक चैतन्य अपना त्रिकाली स्वरूप की ही आती, बस उसी को हयाति कहा है। पर्याय की हयाति को यहां हयाति नहीं कहा गया। पर्याय की हयाति पर्याय में है, मेरे में नहीं है। पर्याय की पर्याय में अस्थि है, लेकिन मेरे त्रिकाली स्वभाव में उसकी नास्ति है, ऐसी मेरी अस्थि है। उस अस्थि की मस्ती, उसका नाम अनुभव है। और ये सहज में उत्पन्न होने वाली क्रिया का लक्ष्य हो, उपयोग हो, कि हमें परिणाम के अंदर में ऐसी अनुभूति कब हो, तो ये सही में पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि है। इससे परिणाम के अंदर में मिथ्यात्व प्रबल होता है। जीव को ऐसा लगता है कि हम सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्न करते हैं, मोक्ष मार्ग के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन सही माने में वो मोक्ष मार्ग से दूर जाता है। और क्या कहते हैं आगे, हयाति तो आते हैं ना शब्द तुम्हारे हिंदी में, मौजूदगी। ऐसा त्रिकाल स्वरूप जो मौजूदगी, उसको यहां पारिणामिक भाव कहने में आता है। पारिणामिक नाम सहज भाव, उसमें कोई पर्याय की अपेक्षा नहीं, पर की अपेक्षा नहीं। ऐसा आत्मा में एक पारिणामिक भाव त्रिकाल, वो ही आत्मा, खरेखर वो ही आत्मा लियो खरेखर। देखिए बात कितनी स्पष्ट है कि यदि आत्मार्थी इस बात को समझना चाहे तो उसमें और कुछ सोचने की जगह नहीं है। क्या कहते हैं, एक एक चैतन्य अपना त्रिकाली स्वरूप की हयाति मौजूदगी, ऐसा त्रिकाल स्वरूप जो मौजूदगी, उसको यहाँ पारिणामिक भाव कहने में आता है। त्रिकाली भाव की हयाति, त्रिकाली भाव की मौजूदगी, त्रिकाली भाव की विद्यमानता, त्रिकाली भाव की प्रगटता सदैव रहती है। वो कभी परोक्ष नहीं होता, हमेशा प्रत्यक्ष रहता है। तू उन्हें प्रत्यक्ष नहीं मानता, तू उनको प्रकट करने की भावना भाता है, उसलिए वो प्रकट नहीं होता, प्रकट होते हुए भी दृष्टि में नहीं आता। देखिए, जिन प्रतिमा है ना, सिमंदर भगवान है, चंद्र प्रभु भगवान है, तो प्रतिमा है ना, सही में सिमंदर भगवान नहीं है। और सही में सिमंदर भगवान नहीं होने पर भी उसमें परमात्मा की प्रतिष्ठा की जाती है, की जाती है। और जब परमात्मा की प्रतिष्ठा की गई तो उसको परमात्मा ही माना जाता है। लेकिन ये तो जीवंत परमात्मा है, ये प्रतिमा नहीं है, परमात्मा है, और उस प्रतिष्ठित परमात्मा है, इनकी प्रतिष्ठा करना नहीं है। और ऐसे जो प्रतिष्ठित जो परमात्मा है वो मैं हूं, ऐसी भावना तू भा क्यों नहीं सकता। जो प्रकट है, मौजूद है, हयाति रूप है, जिनका आत्मलाभ तुझे सदा ही है, तो फिर उस संदर्भ में तुझे विकल्प क्यों करना पड़ता। लियो खरेखर समझ में आया, वो नियम सार में आता है, 15वीं गाथा में आता है, 15वीं गाथा में, भाई खरेखर वो आत्मा,
बस वो खरेखर आत्मा है, वास्तविक आत्मा, त्रिकालिक परम पारिणामिक भाव है वो आत्मा, और बाकी सब अनात्मा है, परिणाम मात्र अनात्मा है। मैं जीव हूं तो परिणाम अजीव है, अजीव, अजीव मैंने जड़ नहीं, अजीव बस मैं नहीं हूं। जीव को ऐसी आदत पड़ी है कि वो राग को जीव का विभाव मानता है, राग को जीव का विभाव मानता है। वास्तविक परिस्थिति क्या है? श्रीखंड जो होता है, श्रीखंड, उसमें जो खट्टापन होता है वो दही का खट्टापन है ना, शक्कर का विभाव है। श्रीखंड के अंदर में जो खट्टापन है वो दही का स्वभाव है कि शक्कर का विभाव है? दही का स्वभाव है, उसको शक्कर का विभाव कहना गलत है। उसी तरह से रागादि भाव है वो पुद्गल का स्वभाव है, जीव का विभाव नहीं है। उस रागादि भाव को जीव का विभाव कहना गलत है, वो पुद्गल का स्वभाव है। द्रव्य कर्म का अनुभाग है उस भाव कर्म में। देखने की दृष्टि, बस संयोग को देखकर उसे आत्मा का विभाव कह दिया। अरे भैया वो पुद्गल का स्वभाव है, आत्मा का विभाव नहीं है। आत्मा का विभाव विशेष भाव तो पल पल उत्पन्न होने वाले उत्पाद रूपी पर्याय है, वो विभाव है, वो विशेष भाव है, वो संयोगिक भाव है। मैं तो असंयोगी वस्तु, असंग वस्तु, एक रूप रहने वाली वस्तु, त्रिकाल प्रकट, त्रिकाल विद्यमान, त्रिकाल हाजरा हाजुर, हयाति रूप, विद्यमान रूप, प्रकट रूप, प्रत्यक्ष परमात्मा मैं हूं। देखिए आगे क्या कहते हैं, वस्तु अपनी त्रिकाल स्वभाव भाव रूप, जीव जो दृष्टि का विषय, जो सम्यक दर्शन का ध्येय, जो सम्यक दर्शन का विषय के जिसका विषय करने से सम्यक दर्शन होता है, खरेखर माने यथार्थ, खरेखर नहीं वास्तव में, खरेखर यथार्थ में है कि नहीं? आ तो हिंदी है इतनी जरी ख्याल बार रही है, हमारे गुजराती नो परिचय करो ना, हमारे बहुत 38 नियम सार है ना, 38 गाथा देखो क्या कहते हैं, सूक्ष्म बातें है। जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य होने से, देखिए इस 320वीं गाथा में नियम सर परमागम की शुद्ध भाव अधिकार की प्रथम गाथा 38वीं का आधार देते हुए गुरुदेव श्री ये फरमाते हैं, शुद्धोपयोग का अधिकार नहीं है, शुद्ध भाव का अधिकार है, शुद्ध भाव का अधिकार। अपना त्रिकाल भाव है वो शुद्ध भाव है, सदाई शुद्ध भाव है, सदाई एक रूप भाव है, सदाई नई परिणमता भाव है, सदाई निष्क्रिय भाव है, सदाई अपरिणामी भाव है, सदाई नित्य भाव है। ऐसी जो वस्तु जो है, तो कहते हैं कि ये भगवान आत्मा को बताते हुए कहते हैं कि जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य होने से, देखिए ऐसा नहीं कहा कि जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य थवा थी, उत्पन्न हुआ और उपद्रव्य हो गया, ऐसा नहीं है। होने से का मतलब पहले से, अनादि से, आप मानो तब न मानो तब, व्यवस्था ऐसी है कि जीवादि 7 तत्वों का समूह उपद्रव्य है। आश्रव बंध को परद्रव्य तो जीव आसानी से मान लेता है, लेकिन संवर निजरा मोक्ष, जिसको मोक्षमय प्रकाशक के अंदर में भी प्रकट करने योग्य कहा, वैसे संवर निजरा और मोक्ष के परिणाम भी परद्रव्य होने से। जिसने उस परिणाम को अपना माना, जिसने उन परिणाम में मेरापन किया, मिथ्या दृष्टि,
उसमें संवर, निजरा और मोक्ष का जन्म ही नहीं होता। जो सात तत्व है ही है, जो है ही है, वो कब है ही है? कि जब आत्मा की दृष्टि करे तब। जीवादि सात तत्वों का समूह परद्रव्य होने से जीव की एक समय की पर्याय उसको यहां जीव का, सात तत्वों में जीव की एक समय की पर्याय उसको यहां जीव कहा है। त्रिकाली द्रव्य छोड़कर एक समय की पर्याय उसको जीव कहा है। और अजीव, संवर, निजरा, मोक्ष आदि साते परद्रव्य है। समझ में आया? साते अनादि अनंत, साधक स्वद्रव्य निज सुधात्मा को कहते हैं और परिणाम मात्र को परद्रव्य कहते हैं। जिस परिणाम के अंदर में उत्पन्न होने वाले सात भेद रूप सात तत्व हे ही होने से, परद्रव्य होने से, प्रभाव होने से, अवस्तु होने से जीव को ऐसा लगता है कि आप क्या कहते हो, इतना निश्चय, इतना निश्चय। अरे भैया, निश्चय माने सच्चा, निश्चय माने परमार्थ, निश्चय माने आदर करने योग, निश्चय माने अवलंबन लेने योग, निश्चय माने श्रद्धान करने योग, निश्चय माने श्रद्धे, निश्चय माने परमार्थ, निश्चय माने भूतार्थ। अब उसमें जो मैं हूं सो मैं हूं और जो मैं नहीं हूं सो सदा मैं नहीं हूं। क्योंकि मैं पना माने कि आई, आई इन द बिगिनिंग, आई एट द मिडल एंड आई एट द एंड इज ऑलवेज कैपिटल। तो कब सेकंड पर्सन हो सकता है? वो हमेशा फर्स्ट पर्सन देता है। अरे 38वीं गाथा तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हमने हमारी शुद्धि की वृद्धि अर्थ है, हमारी भावना के अर्थ है इस नियम सार ग्रंथ की रचना की है। और उनके टीकाकार भी भावी तीर्थादिनाथ पद्म प्रमल धारीदेव। सात ही तत्वों को परद्रव्य कहते हैं, प्रभाव कहते हैं। कुनकुन आचार्य भगवान प्रभाव कहते हैं 50वीं गाथा में। परद्रव्य है, प्रभाव है हे ही माने उपेक्षा करने योग्य और उपाधि माने अपेक्षा करने योग्य। और जिसकी अपेक्षा करनी है उसकी अपेक्षा की कैसे जाती है? यह एक बहुत मार्मिक बात है। जिनकी अपेक्षा करनी है माने जिनको उपाधि जानना है, मानना है, ये उपाधि होता कैसे? मैं हूं बस उसका नाम उपाधि है। उसमें मैंपना होता है, अहम होता है, एकत्व होता है। सुगानी जी साहब कहते हैं कि जिनवाणी के अंदर में आत्मा को, सुधात्मा को पकड़ो, सुधात्मा की ओर दृष्टि करो, उपयोग को सुधात्मा के तरफ ढालो। ऐसे वचन जो है वो उपदेश के वचन है। सुधात्मा में अहम, एकत्व, उसी का नाम सुधात्मा की दृष्टि करना, उपयोग को सुधात्मा के ऊपर ढालना, वालना। ऐसा जो उपदेश है सिर्फ उपदेश के वचन है। वास्तविकता के अंदर में आत्मा को ग्रहण करना नहीं है। ग्रहण तो उसका किया जाता है जिसका त्याग किया हो। आत्मा का कब त्याग हुआ और राग का कब ग्रहण हुआ? यदि राग का ग्रहण नहीं हुआ तो राग का त्याग क्यों? और आत्मा का कभी त्याग नहीं हुआ तो उसका ग्रहण क्या? अरे पर्याय की व्यवस्था से भी देखा जाए तो पर्याय के अंदर में जिस वक्त अज्ञान है, जिस वक्त मिथ्यात्व है, उस समय पर्याय में क्या हुआ है? कुछ हुआ क्या?
पर्याय के सत्वों में, पर्याय के तत्वों में, पर्याय के स्वभाव में, पर्याय के वैभव में क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। अब उसने ऐसा नहीं माना, तो नहीं माना उतना उसका अज्ञान, उसकी उतनी भ्रांति, उसका उतनी भ्रमणा, उसका नाम संसार, उसका नाम अज्ञान, हुआ कुछ नहीं। गुरुदेव श्री ये बात कहा करते थे कि अनादि अनंत काल में दो क्रियाएं होती है, जीव के ज्ञान के अंदर में, चाहे ज्ञायक का ज्ञान का ज्ञातृत्व होता है, चाहे ज्ञान का अज्ञातृत्व होता है। ज्ञान का ज्ञातृत्व होता है या ज्ञान का अज्ञातृत्व होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ज्ञान का ज्ञातृत्व माने ज्ञान में ज्ञायक का जानना होता है या ज्ञान में ज्ञायक का नहीं जानना होता है। लेकिन राग का होना तो कभी होता ही नहीं। तो जिसके अंदर में कुछ होता ही नहीं, उसमें जिस वक्त उसकी मान्यता गलत थी, भ्रांति रूप थी, उस समय भी उसमें कुछ नहीं हुआ, तो आज तुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि कोई चीज तेरे घर में आ गया होता तो तुझे उसे निकालना होता। अब कुछ आया ही नहीं, कुछ गया ही नहीं। और जैन दर्शन के अंदर में उधारी वाला तो हिसाब ही नहीं। पूर्व के कर्म आपके उदय में आवे और सुदय के अंदर में आपको उस फल को आपको भोगना पड़े, ये तो व्यवस्था ही नहीं। क्योंकि यदि इसको व्यवस्था माना जाए तो ऐसा कारण होगा कि भूतकाल की पर्याय ने गलती की, उसका फल वर्तमान की पर्याय भोग रही है। उसका परिणाम यह होगा कि आज किसी को सम्यक दर्शन होगा, उसका कारण मिथ्या दर्शन कहलाएगा। क्योंकि वर्तमान में जो उसका कारण तो पूर्व है, तो सम्यक दर्शन हुआ उसका कारण यदि पूर्व, तो पूर्व तो मिथ्या दर्शन था, तो वो कारण हो गया। ऐसा तो हो नहीं सकता। कारण कार्य वर्तमान पर्याय में इसी बात, उसलिए गुरुदेव श्री के शब्दों में आ रोकड़ियो मार्ग छे, उधारी नो व्यापार ज नथे। परिणाम ने अपने स्वभाव को जाना तो उसी वक्त सम्यक ज्ञान, और परिणाम ने अपने स्वभाव को नहीं जाना तो उस वक्त मिथ्या ज्ञान। सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान, जिस परिणाम ने जैसा कार्य किया उस परिणाम को उसी वक्त तब समय की योग्यता के अनुरूप फल उसी समय पे होता है। आगे पीछे का कोई धंधा ही नहीं है। अब कितना निर्बोध हो गया आप देखिए। अनादि का संसार कहा जाता है, अनादि का संसार होता नहीं। संसार एक समय का। अब जब संसार एक समय का तो फिर क्या चिंता? अनादि का संसार नहीं होता। मैंने आज गुरुदेव के प्रताप से, जैन दर्शन के प्रताप से, जिनवाणी के प्रताप से, आचार्य भगवंतों के मंगलमय वचनों के कारण वस्तु की व्यवस्था कितनी स्पष्ट है। हमें और आपको कोई परिश्रम करने की कोई जरूरत ही नहीं। एकदम सोगानी जी जैसा कहते हैं, बना बनाया पका पकाया हलवा सीधा गुरुदेव श्री ने मुख में रख दिया। आपको तो सिर्फ चबाना भी नहीं है, गले उतार देना है। परम पारिणामिक भाव मात्र वस्तु, जीवादि सात तत्वों का समूह परद्रव्य होने से, देखिए एक बात के अंदर में सारा संसार समाप्त हो जाए। परद्रव्य होने से, परद्रव्य हुआ थी वो कब स्वद्रव्य होगा? जिस वक्त पर्याय द्रव्य रूप हो जाए, पर्याय द्रव्य में प्रवेश कर जाए या द्रव्य पर्याय में प्रवेश कर जाए, तब हो सकता है। अनादि अनंत काल में चाहे संसार की अवस्था हो चाहे मोक्ष की, पर्याय को द्रव्य का अनुभव होता ही नहीं और पर्याय में द्रव्य आता ही नहीं। पर्याय अपने आत्मा की रचना कर अपने पुरुषार्थ से अपने आत्मा को रचती और अपने आत्मा का अनुभव करती है। त्रिकाली आत्मा, अपरिणामी आत्मा, निष्क्रिय आत्मा, ध्रुव आत्मा, सदा अपरिणामी निष्क्रिय ही रहता है। बस वो मैं हूं।
जीवादि सात तत्वों का समूह परद्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं, ये आदरणीय है नहीं। जीव की एक समय की पर्याय जिसको यहाँ चार भाव कहेगा वो पर्याय है, आदरणीय नहीं है, आश्रय करने योग्य नहीं है। पर्याय के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता, चाहे सम्यक दर्शन की पर्याय का भी आश्रय नहीं किया जाता, क्योंकि सम्यक दर्शन के पर्याय का लक्ष्य करेगा तो राग का जन्म होगा, दुख का जन्म होगा, आकुलता का जन्म होगा, निराकुलता का जन्म नहीं होगा। नहीं, आदरणीय नहीं है। जानने में आती है, अनुभूति में आती है, लेकिन आदरणीय नहीं, आश्रय करने योग्य नहीं है, उसलिए ही है। प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, उसलिए ही है। उपादेय नहीं, अंगीकार करने लायक नहीं, जानने लायक है, बस इतना। समझ में आया? कैसा सुंदर है भगवान आत्मा। आज देखिए कितना निर्बोध, आज मिथ्या तो हमें है ही नहीं। मिथ्यात्व हो तो सम्यक्त्व प्रकट करने की बात आती है। मैं सदा अपरिणामी निष्क्रिय सुधात्मा, परिणाम का विश्व परिणाम जाने, परिणाम की क्रमबद्धता परिणाम के अंदर में, मैं उससे बिल्कुल निष्प्रभ, कुछ भी आदान प्रदान लेना देना, कर्ता कर्म निमित्त नैमित्तिक ज्ञाता ज्ञेय किसी प्रकार का संबंध हमारे है ही नहीं। नास्ति सर्वोपी संबंध, ऐसी मैं वस्तु हूं, ऐसा मैं भगवान हूं बना बनाया, और इसकी गरिमा, इसकी अद्भुतता, इसकी अलौकिकता, इसकी परिपूर्णता एक बार भासे और वो रोमांच न हो, पुलकित न हो, हर्षित न हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब परिपूर्णता के अंदर में क्या करना? अब जैसे एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ नहीं करता, ऐसे परिणाम पर द्रव्य होने से त्रिकाली भगवान आत्मा और परिणाम के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं हो सकता। सात तत्व परद्रव्य होने से, तो परद्रव्य है तो उसके साथ कर्ता कर्म, दो द्रव्य के बीच कर्ता कर्म संबंध नहीं होता ना, तो परिणाम हमारे लिए परद्रव्य है तो उसके साथ में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। और जब परद्रव्य है तो परद्रव्य को नहीं जानता, तो परिणाम को भी मैं नहीं जानता। मैं तो ज्ञायक मात्र वस्तु, परिणाम जिसको जानते हैं वो तो मैं हूं, लेकिन वो जिसमें जानने में आता वो मैं नहीं। परिणाम में जानने में आता ज्ञायक, तो परिणाम में जानने में आता, परिणाम में नहीं हूं, लेकिन जो जानने में आता है वो मैं हूं। ज्ञायक मैं हूं, परमात्मा मैं हूं। देखिए आगे कहते हैं गुरुदेव श्री, 38वीं गाथा को भी आगे ले चलते हैं। वो सहज वैराग्य रूपी महल ना शिखर नो शिखामणी, ये तो मुनि ने पोतानी वात लीधी छे ने। वो सहज वैराग्य रूपी महल ना शिखर नो शिखामणी, महल ना शिखर नो शिखामणी, ये तो मुनि पोतानी वात लीधी छे। औदयिक आदि चार भावांतरों ने अगोचर होने से, औदयिक औपशमिक सहपशमिक और सायिक चार भावांतरों ने अगोचर होने से, कैसा है भगवान आत्मा ध्रुव के जो आज चार भाव कहेगा पर्याय रूप, उदय उपसम सहपसम सायिक, वो पर्याय वो द्रव्य को छूती नहीं, द्रव्य को पर्याय का आलंबन नहीं और पर्याय को द्रव्य का आलंबन नहीं। समझ में आया? द्रव्य को पर्याय का आलंबन नहीं और पर्याय को द्रव्य का आलंबन नहीं। पर्याय द्रव्य का आलंबन ले और सम्यक ज्ञान हो, असत्यार्थ अपरमार्थ व्यवहार कहने वाली बातें हैं।
जो ऐसा मानते हैं उसने पर्याय की सत, पर्याय की स्वतंत्रता, पर्याय की स्वाधीनता को पड़कार किया है, और पर्याय की स्वाधीनता और स्वतंत्रता को पड़कार करने वाले न द्रव्य को जानते हैं न पर्याय को जानते हैं। देखिए, अनुभूति के अंदर में द्रव्य पर्याय का जानना नहीं होता, अनुभूति के अंदर में आत्मा का जानना होता है, और अनुभूति के पश्चात जब विकल्प में आवे तो आनंद की अवस्था चली गई तो परिणाम पलट गए, ऐसा जानना होता है अनुमान ज्ञान। तो कहां है द्रव्य पर्याय? वो तो परद्रव्य है। फिर मुंडराज अंदर चले जाते हैं, वो परद्रव्य है। मैं स्वद्रव्य, मैं स्वद्रव्य, मैं स्वद्रव्य। अद्भुत है अपना वैभव, अद्भुत है अपनी व्यवस्था। अनादि अनंत द्रव्य पर्याय की व्यवस्थित व्यवस्था है, उस व्यवस्थित व्यवस्था में कुछ करने का अभिप्राय और अव्यवस्था खड़े करने की बात है। सम्यक दर्शन प्रकट करना यह अव्यवस्था की बात है। दर्शन मूर्ति का इनकार है, दर्शन मूर्ति का विरोध है, तब हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, ऐसा विकल्प उठता है। सहज मात्र में उत्पन्न होने वाली अनुभूति, सहज मात्र में सरलता से उत्पन्न होने वाली अनुभूति, उनका कर्तव्य इतना कि मैं अपरिणामी हूं। तो मैं अपरिणामी हूं ऐसी घोषणा तो परिणाम करते हैं ना, तो वो मैं नहीं जानता, मैं अपरिणामी हूं उतना जानता हूं। और यदि आप कहते हैं कि परिणाम यह घोषणा करती है कि मैं अपरिणामी हूं, तो आप परिणाम को जाके पूछो, मेरे को मत पूछो, मैं तो अपरिणामी हूं इतना जानता हूं। ये स्वर, ये ध्वनि, ये अभिप्राय, ऐसी मान्यता, ऐसा विश्वास, ऐसा श्रद्धान, जिस श्रद्धे के अंदर में श्रद्धा का स्थान नहीं, नहीं है श्रद्धा का स्थान। ऐसा श्रद्धेय तत्व मैं हूं, और मैं श्रद्धेय हूं ऐसा विकल्प जिसमें नहीं है। ऐसी अद्भुत व्यवस्था, ऐसी अलौकिक व्यवस्था, क्या कहते हैं गुरुदेव श्री, ए भावांतरो, भावांतर नाम पारिणामिक स्वभाव भाव त्रिका, उसमें भावांतर अनेरी पर्याय, अनेरा भाव, उदय, उपसम, सर्वसम आया ना, चार भाव, ये शुद्ध सहज परम पारिणामिक भाव जिसका स्वभाव, ऐसा कारण परमात्मा वास्तव में आत्मा है, खरेखर वास्तव में वो आत्मा है। चार भावो भावांतर है, उससे भगवान आत्मा अगोचर है। परिणाम को द्रव्य का आलंबन नहीं और द्रव्य को परिणाम का आलंबन नहीं, ऐसी स्वतंत्रता की चरम सीमा, स्वाधीनता की चरम सीमा दो स्वभाव के बीच में होती है। और बात तो अपेक्षा और उपेक्षा की जाती है, लेकिन अपेक्षा और उपेक्षा होती कब है? जब दोनों को निरपेक्ष देखा जाए। मैं त्रिकाली परम परिणामिक भाव निरपेक्ष वस्तु हूं, परिणाम के सद्भाव की और परिणाम के अभाव से, अभाव की अपेक्षा से सदाय रहित निरपेक्ष तत्व हूं। बस निरपेक्ष तत्व, निरपेक्ष तत्व, निरपेक्ष तत्व मैं हूं, ऐसा अहम होते जो अनुभूति हुई उसके अंदर में भगवान आत्मा उपादेय हुआ, तो उनकी अपेक्षा हुई ऐसा कहा जाता है। वास्तविकता तो निरपेक्षता की मस्ती में है। अब द्रव्य को पर्याय का आलंबन नहीं तो द्रव्य पर्याय से निरपेक्ष है, पर्याय को द्रव्य का आलंबन नहीं तो पर्याय द्रव्य से निरपेक्ष है, और वस्तु व्यवस्था है, कभी परिणाम द्रव्य को छूते ही नहीं।
परिणाम में द्रव्य के कारण से अनुभूति होती ही नहीं। कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय, कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा, ये पूरी वस्तु बतलाने के लिए जब बात होती है तो विषय चलता है। वास्तविकतया तो वो अकारण परमात्मा है। आज ये अपनी जिम्मेदारी है कि जिनवाणी के अंदर में से अपने प्रयोजनभूत तत्व को निकालकर उसी को घूटना, उसी को चिंतन मनन के अंदर में लेना, उसी की बात, उसी का विश्वास, उसी का धुन, उसी की लगन, उसी की मस्ती। चार भाव अनेरा भाव है, अन्य भाव है, भिन्न भाव है, उसमें कौन सा भाव आत्मा का होगा? अच्छा, उदय भाव नहीं, समर भाव नहीं, निर्जरा नहीं, एक में शुद्धि के उत्पाद हुआ, एक में शुद्धि की वृद्धि हुई, लेकिन एक में तो शुद्धि की पूर्णता हुई, वो तो मोक्ष भाव। अनेरा भाव है भाई, अन्य भाव है ना, ये भावांतर और भावांतर नाम पारिणामिक स्वभाव भाव त्रिकाल, उसमें भावांतर अनेरी पर्याय, अनेरा भाव, त्रिकाल में अनेरा भाव, अनेरी पर्याय। उदय उपसंग सहउपसंग साई का है ना चार भाव, ये शुद्ध सहज परम पारिणामिक भाव, जिसका स्वभाव शुद्ध सहज ऐसा पारिणामिक भाव, जिसका स्वभाव कैसा है? स्वभाव सहज, सहज मने स्वाभाविक, शुद्ध ऐसा अपना स्वभाव है, पारिणामिक स्वभाव है ये, अपना स्वभाव पारिणामिक है। अपरिणामी भगवान आत्मा का लक्षण अपरिणामी परम पारिणामिक भाव है। वस्तु अपरिणामी तो उसका लक्षण भी अपरिणामी, उपयोग लक्षण जीव का ये प्रमाण की बात है, स्वसंवेदन लक्षण है अनुभूति की बात है, लेकिन सभी अवस्थाओं के बीच में ये न्यारा रहने वाला दृष्टि का विषय, सुधात्मा भगवान आत्मा उसका लक्षण तो परम पारिणामिक भाव है। तो प्रश्न उठता है कि परम पारिणामिक भाव लक्षण है सुधात्मा का, ये कहाँ कहाँ? तो कि 320वीं गाथा में कहा, जे सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण नीच परमात्म द्रव्य तेज हूं छू, तेज हूं छू। पारिणामिक भाव परम पारिणामिक भाव लक्षण, ये लक्षण है परम पारिणामिक भाव। अभेद वस्तु का लक्षण अभेद होता है, अभेद का लक्षण भेद नहीं हो सकता। जब परिणाम को उपयोग को जब लक्षण कहता है तो भेद वाली बात है, प्रमाण की बात है। स्वसंवेदन जब लक्षण कहा तो परिणामी की बात है, लेकिन मैं अपरिणामी वस्तु तो मेरा लक्षण भी अपरिणामी, ऐसा मेरा स्वभाव है अनादि अनंत। उसलिए सोगानी जी कहते हैं निगोध हो या मोक्ष, उससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। परिणाम से जीव जब इतना निष्प्र होता है तो उस परिणाम के अंदर में मोक्ष होता है। परिणामों की अपेक्षा नहीं होती, जिसको परद्रव्य कहा उससे क्या अपेक्षा? केवल ज्ञान को अवस्तु कहा गुरुदेव श्री ने, सद्भुत व्यवहार नहीं नो विषय छे। जितना भेद उतना मन, जितना अभेद उतना ज्ञान। जहां भेद है वहां पे मन है, और जहां पे अभेद है वहां पे ज्ञान है, और ज्ञान का स्वभाव अभेद ग्राह्य है। भेद को ग्रहण करना ज्ञान का स्वभाव नहीं है।
पंचायत न्यायकर्ता ने बात कही कि ज्ञान का स्वभाव अभेद ग्राह्य है, ज्ञान भेद को ग्रहण नहीं करता, अभेद को ग्रहण करता है। ये वस्तु का स्वभाव ऐसा है। क्या कहते हैं, क्या कहा, कारण परमात्मा लियो, पण ये त्रिकाली जो परम स्वभाव है वो ही खरेखर आत्मा है। ये त्रिकाली जो परम स्वभाव भाव है वो ही आत्मा है, वो ही आत्मा है। जो त्रिकाली परम पारिणामिक भाव, परम पारिणामिक स्वभाव भाव, वो ही आत्मा। उसका मतलब उनके अलावा जो कुछ भी है वो अनात्मा है, अवस्तु है, अजीव है। मन इस सोचने में जीव कांपते लगता है, परिणाम को अजीव कैसे कहे, परिणाम को अनात्मा कैसे कहे, परिणाम को अवस्तु कैसे कहे। अरे भैया, परिणाम परिणाम से वस्तु है, परम परिणामिक भाव की अपेक्षा से अवस्तु है, उसमें आपत्ति कहां है। और परिणाम को परिणाम की अपेक्षा से वस्तु कहा जाए तो उसके लिए द्रव्यावस्तु है। क्या है, कहां पर बैठकर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्या बताते हैं, ये बात को समझना चाहिए। बस मैं वस्तु हूं तो बाकी सब कुछ अवस्तु है, मैं जीव हूं तो बाकी सब कुछ अजीव है, मैं आत्मा हूं तो बाकी सब कुछ अनात्मा है। परम परिणामिक भाव स्वभाव है तो बाकी जो चार भाव है वो सावरण है, कर्मकृत है, कर्म सापेक्ष भाव है, कर्म के उदय अनुदय और अभाव की अपेक्षा रखने वाले भाव है। परम परिणामिक भाव तो निरपेक्ष भाव, किसी की भी अपेक्षा नहीं, स्वभाव भाव। स्वभाव हमेशा निरपेक्ष होता है, स्वभाव कभी अपेक्षित नहीं होता, शक्ति हमेशा सापेक्ष होती है और स्वभाव हमेशा निरपेक्ष होता है। शक्ति को व्यक्ति की सापेक्षता होती है, गुण को पर्याय की सापेक्षता होती है, लेकिन द्रव्य स्वभाव को निरपेक्ष, निरपेक्ष और निरपेक्ष, उसका नाम स्वभाव है। वो स्व का भाव नहीं है, स्वभाव है, स्व का भाव, ऐसा भेद उसमें नहीं है। अद्भुत वस्तु है, अद्भुत वस्तु, अलौकिक वस्तु। एक बार वस्तु को वस्तु से देखा जाए, वस्तु के स्वभाव को देखा जाए, परखा जाए, सोचा जाए, तो लगता क्या अद्भुत अपना वैभव, वैभववान हूं मैं। ज्ञान ज्ञान को जानता है, ज्ञान ज्ञायक को जानता है, ये सारे नई पक्ष की बात है। मैं तो नयो से पार, नयातीत वस्तु, मैं नयातीत वस्तु हूं ऐसा शुद्ध नहीं कहता है। वस्तु में नई नहीं समाती ऐसा शुद्ध नहीं कहता है, उसलिए शुद्ध नहीं पूज्य है कि नई ऐसी शुद्ध नई जो नई का निषेध करती है, उसलिए निश्चय नई को पूज्य कहा। और प्रमाण के अंदर में व्यवहार का निषेध करने की ताकत ही नहीं है तो पूज्य नहीं है, अपूज्य है। प्रयोजन की सिद्धि इतनी सरलता से हो सकती है कि आज के दिन मुमुक्षु जगत इसकी सोच भी नहीं करता। जो वस्तु स्वयं में अपने आप में प्रकट है उसको प्रकट करना है, जो जानने में आता है उसको जानना है, जो नहीं जानने में आता उसको जानना बंद करना है। मैंने ये सारे अज्ञान की चरम सीमाएं हैं। ज्ञान में ज्ञायक क्यारे जाणवामां नथी आवतो,
आवार गोपाल सबने सदाकाल सबने अने सदाकाल ज्ञानी थाय त्यारे एम नथी सबने कहता बधाने ने सदाकाल कहता त्रणे काल सदाय भगवान आत्मा अनुभव में आवी रह्यो छे जाणवामां आवी रह्यो छे एने तू जाण अरे जाणवामां आवी रह्यो छे एने तू जाण एटले शुं એટલે જાણવામાં નથી આવતો એને જાણ કા મતલબ યે હોતા કે જાનને મેં નહીં આતા તો જાનને મેં તો આતા હૈ તો ફિર જાનને કી બાત નહીં રહી મેં હું ઇતની સી બાત રહી સંજય કી ગફરો બનતે તો ઉદ્દેશ હુઆ ક્યોંકિ ઉસને અનાદિ કાલ સે ઉસ ચક્ષુ કો હી ખુલ્લા રખા ઓર એક સમય મેં એક ચક્ષુ ખુલતી હૈ कथनचित द्रव्यार्थ और कथनचित पर्यार्थिक ऐसा नहीं होता उसलिए सर्वथा बंद करने की बात की द्रव्यार्थिक चक्षु को सर्वथा खोलकर और पर्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद कर सर्वथा सर्वथा बंद करेगा तो पद्र भी दिखेगा परिणाम मात्र पद्र खरेखर आत्मा खरेखर आत्मा हमारी गुजराती में हिंदी में वास्तव में आत्मा है संस्कृत में समझे यहां कारण परमात्मा ही आत्मा कारण परमात्मा ही आत्मा है संस्कृत में ही आव्यू ने हिनो अर्थ यहां वास्तव किया है गुजराती में खरेखर किया है भगवान आत्मा एक सेकंड के असंख्य में भाग में परम परिणामिक स्वभाव भाव स्वभाव भाव जिसको कोई की अपेक्षा नहीं ऐसा त्रिकाली भाव स्वभाव भाव माने किसी की भी अपेक्षा नहीं ऐसा त्रिकाली भाव वो ही वास्तव में यथार्थ में खरेखर आत्मा है उसकी दृष्टि करना उसका नाम सम्यक दर्शन है खरेखर आत्मा किसकी अपेक्षा नहीं ऐसी आत्मा की दृष्टि करना ऐसा आत्मा जिसमें दृष्टि का अभाव हो ऐसी मैं वस्तु हूं बस इतना ख्याल में आ जाए इतना विश्वास आ जाए उस वक्त जो परिणाम उत्पन्न होती है उनका नाम सम्यक दर्शन है उनका नाम परिणामी आत्मा है उसके अंदर में जो कुछ भी है आत्मा है आत्मा को आत्मा का अनुभव हुआ ऐसा भी नहीं है आत्मा का अनुभव है सम्यक अनेकांत का जन्म हुआ एक सम्यक एकांत पूर्वक निश्चय पूर्वक व्यवहार का जन्म हुआ स्यादवाद के अभाव पूर्वक स्यादवाद का जन्म हुआ ऐसी वस्तु है अब वस्तु को वस्तु से देखा जाए तो अपेक्षा की जरूरत नहीं स्वभाव को स्वभाव से देखा जाए तो अपेक्षा की जरूरत नहीं अपेक्षा की जरूरत नहीं माने नयो की जरूरत नहीं નયોની લક્ષ્મી ઉદય પામતી નથી નિક્ષેપોનો સમૂહ ક્યાં ચાલ્યો જાય છે પ્રમાણ અસ્તને પામે છે શું છે આ વસ્તુ આચાર્ય ભગવંતોને જીસ વાત કી મસ્તી હૈ ગુરુદેવ કો જીસ સ્વભાવ કી મસ્તી હૈ ઉસ સ્વભાવ કી મસ્તી હમે ઓર આપકો ક્યો નહીં હો સકતી अपना स्वभाव सरल स्वभाव सहज स्वभाव प्रगट स्वभाव प्रत्येक स्वभाव विद्यमान स्वभाव हाजरा हाजुर स्वभाव ज्वाजल्यमान स्वभाव यह मौजूद है ना पूज्य बहन को एक बार पूछा गया कि बहन ये आत्मा केवो देखाय छे तो के हथेड़ी में आमड़ो राखो ना जेवो स्पष्ट दिखाए वो आत्मा दिखाए प्रत्यक्ष वस्तु है ना क्यों नहीं दिखे दिखे मने अनुभव में क्यों ना आवे सब स्वसंवेदन में क्यों ना आवे प्रकट वस्तु है प्रत्यक्ष वस्तु लेकिन वो मैं हूं ऐसा नहीं मानता उसको प्रकट करना है वैसा मानता है जबकि यहाँ पे आचार्य भगवान और गुरुदेव कहते हैं कि जो प्रकट होते हैं वो मुझे परद्रव्य है जो प्रकट होता है वो मुझे परद्रव्य है जो प्रकट है वो मैं हूं वो स्वद्रव्य है जो प्रकट है वो मैं हूं वो स्वद्रव्य है और जो प्रकट होता है वो पत्र मैं शुद्ध रूप नहीं परिणामता उसलिए अनादि अनंत शुद्ध हूं
ऐसी वस्तु है। मैं अशुद्ध रूप तो नहीं परिणमता, शुद्ध रूप भी नहीं परिणमता, क्योंकि मैं अपरिणामी वस्तु हूं, स्वभाव से ऐसी वस्तु हूं, सदा नित्य एक रूप वस्तु हूं। इसकी अद्भुत अलौकिक है, स्वभाव अद्भुत है। पूज्य बैंसरी कहती है ना कि गुरुदेव तो आकारणो अचंभो छे। देखिए अचंभा वाली बात है, सहज भाव, स्वाभाविक भाव, परम भाव। इस परम भाव को अपने स्वभाव से नहीं समझा, उसलिए कठिन लगता है। वो उपयोग को स्वभाव की ओर झुकाने का प्रयत्न करता है, वो करता बुद्धि लाख प्रयत्न करे, अनंत काल तक प्रयत्न करे तो अनुभूति नहीं हो। और परम परिणामिक भाव, वस्तु मात्र मैं हूं ऐसा विश्वास करने से सम्यक दर्शन होता है, उसलिए परम परिणामिक भाव वस्तु मैं हूं तो उसमें सम्यक दर्शन नहीं होता। देखिए नियत की कमी जैन शासन में चल नहीं सकती है। तो पूरा का पूरा प्रामाणिकता का धर्म है, प्रामाणिकता का मार्ग है। आपको अपने आप में ऑनेस्टी चाहिए, पूरे की पूरी प्रामाणिकता। मैं परमात्मा हूं तो परमात्मा हूं, पर यह परद्रव्य है तो परद्रव्य है। निश्चय से और व्यवहार से की बात नहीं है, स्वभाव की बात है। निश्चय से मैं स्वद्रव्य और व्यवहार से परद्रव्य जो है परिणाम हो है तो मेरे, लेकिन दृष्टि के विषय में वो परद्रव्य में चले जाता है। ऐसा दृष्टि का विषय नहीं होता, दृष्टि के विषय में पर्याय परद्रव्य ऐसा नहीं, वास्तव में पर्याय परद्रव्य है, उसका नाम दृष्टि का विषय। मैं परमात्मा हूं ऐसा लक्ष्य होना, उसका नाम दृष्टि का विषय। दृष्टि का काम नहीं है द्रव्य का लक्ष्य करना, उसका नाम दृष्टि का विषय। ऐसा नहीं, मैं परमात्मा हूं उसका नाम लक्ष्य है, उसका नाम अहम है, उसका नाम एकत्व है, उसको दृष्टि का विषय कहा जाता है। बात मैं हूं की है, बात विषय विषयवान की नहीं है। विषय और विषयवान तो भेद व्यवहार। मैं हूं बस इतनी सी बात, और मैं हूं मैं एकत्व हुआ तो उसको दृष्टि का विषय लक्ष्य में आया, ऐसा कहा जाता है। एक कहने की बात है, समझाया जाता है भेद से और समझना है अभेद को। भेद को नहीं समझना, क्योंकि आत्मा में ज्ञान नहीं है। राग तो है ही नहीं, लेकिन ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है। ऐसी जो दृष्टि है उसका नाम द्रव्य दृष्टि है। द्रव्य दृष्टि करनी नहीं है, द्रव्य दृष्टि करना उसका नाम द्रव्य दृष्टि नहीं है। मैं द्रव्य हूं ऐसा विश्वास उसका नाम द्रव्य दृष्टि है। उसने द्रव्य दृष्टि की तो सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा कहने में आता है। पर्याय ने द्रव्य का आलंबन लिया तो एक कहने की बात है, व्यवहार की बात है। अब वो परिणाम झुके थे पर तरफ, अभी वो झुके स्व तरफ, तो उसने आलंबन लिया ऐसा कहने में आता है। वो स्व तरफ या पर तरफ किसी भी तरफ परिणाम है, हमारे लिए वो पर द्रव्य है, हमें उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं अपने स्वभाव से परिपूर्ण भगवान आत्मा हूं, कृत्य कृत्य बना बनाया भगवान हूं, ऐसा विश्वास ऐसा श्रद्धा सभी के अंतरंग में सहज मात्र में गुरुदेव के प्रताप से, भगवती माताओं के प्रताप से, आज पूज्य बहन के पावन जन्मदिन के निमित्त पे ऐसा विश्वास ऐसा श्रद्धा ऐसा ज्ञायक का बल ऐसा सुधात्मा का अहोभाव सहज मात्र में हो, इसी मंगल भावना के साथ।